या आप लोगों के इंस्टाग्राम पे ठीक ठाक फॉलोअर्स हैं लेकिन ठीक ठाक लाइक कमेंट्स नहीं आते, यानी कि आपके इंस्टाग्राम पे ठीक ठाक फॉलोअर्स तो हैं लेकिन ठीक ठाक इंगेजमेंट नहीं आ रही है, तो उसके पीछे रीजन है घोस्ट फॉलोअर्स का। अब घोस्ट फॉलोअर्स को आप फेक फॉलोअर्स भी कह सकते हो और नहीं भी कह सकते हो। अब वो इसलिए क्योंकि घोस्ट फॉलोअर में और फेक फॉलोअर्स में काफी डिफरेंसेस हैं जो हम इस वीडियो में बात भी करने वाले हैं। तो अगर आप लोग अपनी इंस्टाग्राम आईडी से घोस्ट फॉलोअर को रिमूव करना चाहते हो या फिर आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी से फेक फॉलोअर्स को रिमूव करना चाहते हो और ये भी जानना चाहते हो कि यार एक्चुअल में होते क्या इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये सारे क्वेश्चन है अगर आपके दिमाग में, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष फॉर यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि घोस्ट फॉलोअर होते क्या हैं। देखो घोस्ट फॉलोअर वो फॉलोअर होते हैं जो आपके अकाउंट पे फॉलोअर तो शो कर रहे हैं, वो हो सकता है वो रियल लोग भी हों लेकिन वो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे कोई भी इंगेजमेंट नहीं कर रहे हैं, लाइक ना वो कमेंट कर रहे हैं ना लाइक कर रहे हैं, पूरी तरीके से इनएक्टिव हैं आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे, यानी कि वो सिर्फ नाम मात्र के फॉलोअर हैं, सिर्फ वो नंबर के लिए सही हैं लेकिन वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग इस टाइप के फॉलोअर्स को घोस्ट फॉलोअर कहते हैं। अब आपको फेक फॉलोअर्स तो पता ही होगा लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, ऐसे फॉलोअर्स जो बिल्कुल ही डेड होते हैं, लाइक ना तो उनमें प्रोफाइल वगैरह होती है और बिल्कुल ही मतलब जैसा फेक पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं और हम लोग काफ़ी ज़्यादा सर्वर से देखते हैं जो हमें फेक सेंड जाते हैं, तो इस तरीके के जो फॉलोअर्स होते हैं हम लोग उनको फेक फॉलोअर्स कहते हैं। ना उनका कोई वजूद होता है, ना कुछ आईडी वाईडी होती है, जस्ट यूजर ने ऐसे कुछ भी बनाया, डीपी वीपी लगाई और जस्ट लोगों को फॉलो करना स्टार्ट हो गया, लाइक वो बॉट्स को आप फेक फॉलोअर कह सकते हो। तो ये हो जाते हैं फेक फॉलोअर्स। तो अब आपको सीधा सीधा डिफरेंस समझ में आ गया होगा। देखो घोस्ट फॉलोअर हो सकता है रियल लोग भी हों लेकिन वो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे इनएक्टिव हो, ना लाइक कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कुछ ऐसी आईडी हो जो रियल तो हो लेकिन काफी समय से इंस्टाग्राम पे एक्टिव ही ना हो, तो हम उन्हें घोस्ट फॉलोअर कह सकते हैं। लेकिन जो फेक फॉलोअर्स होते हैं वो पूरी तरीके से डेड होते हैं, बॉट्स वगैरह होते हैं। तो दोनों में डिफरेंसेस आपको अब समझ में आ गया है। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग अपनी इंस्टाग्राम आईडी से घोस्ट फॉलोअर्स को या फिर फेक फॉलोअर्स को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को दो ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसके जरिए आप लोग अपनी इंस्टाग्राम आईडी से घोस्ट फॉलोअर या फिर फेक फॉलोअर को रिमूव कर सकते हो। पहली ट्रिक जो है वो मैनुअल ट्रिक है और सेकंड ट्रिक में हम एक ऐप का यूज़ करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। उसमें जस्ट आपको टैप करना है एंड आप सारे घोस्ट फॉलोअर को रिमूव कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग पहली ट्रिक जानते हैं जो आप लोग मैनुअली कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को प्रोफाइल वाले सेक्शन में आना है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो हमारे फॉलोअर्स हैं उन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे मेरे 1120 फॉलोअर हैं इस वाले अकाउंट पे, तो हम लोग यहाँ पे मैनुअली रिमूव करेंगे फेक फॉलोअर्स को। इसमें आप घोस्ट फॉलोअर को रिमूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे इंस्टाग्राम की तरफ से ऐसा कोई टूल नहीं है। तो हम लोग यहाँ से सिर्फ और सिर्फ फेक फॉलोअर को रिमूव कर सकते हैं मैनुअली। और इस ट्रिक को मैं आपको तभी सजेस्ट करूंगा जब आपके कम फॉलोअर हो, क्योंकि इसमें मैनुअली में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा क्योंकि आपको एक एक प्रोफाइल चेक करनी होगी कि ये सच में रियल है या फिर फेक है। तो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं, तो एक ये वाला अकाउंट जो देखते हैं हम, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यार ये बिल्कुल ही फेक अकाउंट है क्योंकि यूजर नेम भी ऐसा है और एक पोस्ट डली हुई है, एक ही फॉलोइंग है। तो इसके लिए जस्ट हम लोगों को इसको यहाँ पे रिमूव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और रिमूव कर देना है। तो ये जो फॉलोवर है हमारा रिमूव हो जाएगा हमारे अकाउंट से। एंड यहाँ पे जिन जिनके हमें डीपी नहीं दिख रही हम लोग उनको चेक करते हैं यहाँ पे। तो ये वाला एक अकाउंट है जो मुझे ये भी फेक ही लग रहा है, तो जी हाँ ये भी फेक है। तो हम लोगों को इसको जस्ट रिमूव पे क्लिक करके रिमूव कर देना है। तो इस तरीके से ना आप मैनुअली रिमूव कर सकते हो, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपके कम फॉलोवर हो तो ही ये ट्रिक बेस्ट है, क्योंकि अगर आप लोगों के बहुत ज़्यादा फॉलोवर है तो आपको एक एक करके चेक करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं सेकंड ट्रिक की तरफ। तो उसके लिए हम लोगों को एक ऐप का यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है फॉलोवर्स एंड अनफॉलोवर्स, कुछ ऐसा करके ऐप है, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली ऐप को ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से। एंड इस ट्रिक के लिए आप लोगों को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड पता होना चाहिए। तो हम लोग सिंपली एग्री पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को लॉग इन विद इंस्टाग्राम पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इंस्टाग्राम पे एक पेज आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को अपना इंस्टाग्राम अकाउंट लॉग इन करना पड़ेगा। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, यूजर नेम डालते हैं और यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे। और मैं आपको एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि देखो ये ऐप हो सकता है कि सेफ हो, लेकिन मैं आप लोगों को ये सजेशन देना चाहूँगा कि जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो जाए आप लोग अपने पासवर्ड को चेंज कर लेना, क्योंकि यार हम थर्ड पार्टी पे क्यों ही विश्वास करें, क्योंकि हमारा इंस्टाग्राम पे हमारा पर्सनल डेटा वगैरह होता है। तो चेंज कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग जस्ट लॉग इन पे क्लिक करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे हम लोग ऐप के अंदर लॉग इन हो जाएंगे अगर हमारा पासवर्ड सही होगा। तो हमारा पासवर्ड सही है और हम लोग यहाँ पे लॉग इन होगा। तो ये मुझसे गूगल पूछ रहा सेव करना चाहता हूँ कि नहीं मैं पासवर्ड, तो मैं नॉट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। और ये बोल रहा सर्च फॉर अनफॉलोअर प्लीज़ वेट फॉर 10 से 120 सेकंड। तो यहाँ पे हमें 10 से 120 सेकंड वेट करना होगा, ऐसा ऐप कर रहा है, लेकिन इतना नहीं करना पड़ता। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इंस्टेंट हो गया। हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ऐड वगैरह आएगा तो क्रॉस कर देते हैं। अब हम लोगों को चलना होगा यहाँ पे
एक ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा घोस्ट वाला, तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट स्कैनिंग साइज पे क्लिक कर देना, हम 20 पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अभी हमारे अकाउंट पे जितने भी घोस्ट फॉलोअर्स हैं तो उनकी 20 की लिस्ट पूरी यहाँ पे हम लोगों को स्कैन कर देगा। तो ये लोग जो है ये बिल्कुल पूरी तरीके से घोस्ट फॉलोअर है मेरे इस वाले अकाउंट पे, क्योंकि ये लोग ना मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे लाइव कमेंट वगैरह नहीं करते हैं। तो अगर मैं इनको रिमूव करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो डस्टबिन टाइप का आइकन दिखाई दे रहा है डिलीट वाला, इस पर हम क्लिक करेंगे और इन्हें यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों को इजीली पता लग गया कि ये लोग हैं बिल्कुल ही हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर डेड हैं। तो जस्ट आपको एक एक करके यहाँ पे इनको इस तरीके से रिमूव कर देना है। यहाँ पे हम लोग इनको रिमूव करते जाते हैं और ये रिमूव होते जाएंगे हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास पूरी लिस्ट है और आप इन्हें एक एक करके बहुत आसानी से जितने भी घोस्ट फॉलोअर हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना है कि इंस्टाग्राम पे घोस्ट फॉलोअर्स क्या होते हैं और घोस्ट फॉलोअर और फेक फॉलोअर में क्या डिफरेंसेस होता है और हम लोग किस तरीके से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से घोस्ट फॉलोअर्स और फेक फॉलोअर को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप लोगों का इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करना ना भूलें। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में मैं ऐसी और वीडियोस डालूं तो आप लोग मिस ना करें। तो मैं मिलता हूं आपसे ऐसे किसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।